कराची के मशहूर दही बड़े मुंह में घुल जाने वाले दही बड़ों की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। ऐसे दही बड़े जो हमारी माए बहनें जो हैं आसानी से घर में कम खर्च में कम मेहनत में बना सकें। आगे रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, तो आप रोज़ों में इसको किस तरह आसानी के साथ बना सकते हैं। खर्चा भी कम आएगा, मेहनत भी कम लगेगी और चस्के भी इसके पूरे आएंगे। ऐसे दही बड़े जो देखने में भी कमाल हैं और खाने के अंदर तो फिर इसका जायका वो तो आपको पता ही है। तो ये हमारे मज़ेदार से दही बड़े किस तरह से तैयार होंगे तो चले जी मुकम्मल गाइड करूँगा, तो वीडियो आपने तवज्जो से देखनी है। तो चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी यहाँ पर मैंने एक पाव माश की दाल ली है, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। आपने ये याद रहे कि इसको आपने भिगोना, अगर आप पूरी रात नहीं भिगो सकते तो आपने 4 से 5 घंटे इसे लाजमी भिगोना है, वरना ये आपके जो पीसेगी नहीं। इसके बाद आपने थोड़ा सा पानी लेना है और उसके बाद इसका पेस्ट बना लेना है। आप इसे सील बट्टे पर भी पीस सकते हैं, आप इसे कूडी में भी रगड़ सकते हैं। उसके बाद ही इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम जीरा भी शामिल कर देंगे। उसके अलावा इसके अंदर जो मेन चीज़ आएगी वो है हमारा मीठा सोडा। 1/2 टीस्पून आपने इसमें मीठे सोडे की शामिल कर देना है। बहुत अच्छे हमारे जो इससे दही भल्ले जो है हमारे फूलेंगे। उसके बाद ये जो हरी मिर्चें हैं ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन अगर डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा जायका आएगा। तकरीबन 1 हरी मिर्च मैंने बारीक सी काट के इसमें चॉप करके इसमें शामिल कर दी है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, बिल्कुल आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, जितने सारे जो मसाले हैं इसका जो हमने मीठा सोडा ऐड किया है और नमक ऐड किया है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिल जाए। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो जी यहाँ पर दही है। अब दही जो घरों के अंदर दही होता है वो शिकायत होती है कि उसके अंदर पानी है, सही से फॉर्मी दही नहीं बनता। तो आपने उसके लिए क्या करना है, उसको अच्छी तरह से आपने फेंटना है। उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबल स्पून इनफ रहेगी। उसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे इसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए। बस आपने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से फेंटना है और आपने इसको उठा के फ्रिज में रख देना है। अगर आप अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही आसान रेसिपियाँ मज़ेदार सी रेसिपियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को किसी ना किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जी हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब उसके बाद जो हमने बैटर तैयार किया था जो माश की दाल का, उससे आपने हाथ की मदद से इस तरह से भल्ले आपने कढ़ाई में छोड़ देने। ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, इस तरह नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे भल्ले हमने इसमें डाल दिए हैं और किस तरह से ये फूल चुके हैं। ये देखें आप, इसकी आप खूबसूरती देख सकते हैं और कंडीशन देख सकते हैं आप कि किस तरह हमारा भल्ला फूल चुका है। और ये देखें जी, 7 से 8 मिनट बाद हमारा जो भल्ले हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है, किसी स्टेनर में डाल देना है ताकि इसका जो सारा ऑयल है वो निकल जाए। और हम यहाँ पर सारे भल्ले जो हैं वो निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये जो हमारे भल्ले हैं, अब अगर आपने यहाँ पर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी बनाने हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको पानी में ऐड कर देना है। पानी में ऐड करने से ये होगा जितना ऑयल इसके अंदर होगा वो सारा निकल जाएगा, और जब हम इसे दही में ऐड करेंगे तो ये दही सोख कर लेगा और जो जितना ऑयल है वो उसमें से निकल जाएगा और हमारे भल्ले नरम हो जाएंगे। अब जी हम इसकी प्लेट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जी आपने क्या करना है, ये देखें जी, मैंने 10 मिनट से इसे भल्लों को भिगो के रखा हुआ था। इससे ज़्यादा आपने नहीं भिगोना, वरना जो आपके भल्ले हैं वो टूटने भी लग जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी में रखे वो आपके भल्ले ख़राब हो जाएंगे। और आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से हम भल्लों को रख देंगे। ये देखें इस तरह से बड़ी खूबसूरती के साथ हम इसको रख देंगे। और इसके बाद जो है ये हम दही जो है, जो हमने अभी दही तैयार किया है, और ये इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। ये होममेड दही है। अगर आपने दही की रेसिपी नहीं देखी दही की, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि दही होममेड दही मैंने किस तरह से तैयार किया था। और सिर्फ 1 किलो दूध कम पैमाने पर ये दही मैंने तैयार किया था। उसके बाद जी इमली की चटनी भी मैं रेसिपी में दे चुका हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर यहाँ पे वीडियो जोड़ी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आपने इस तरह से इसके ऊपर दही भल्लों के ऊपर जो हमारी चटनी है वो आपने डाल देनी है। और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जो है इसकी लुक आ चुकी है, और खाने के अंदर ये इतने मज़ेदार होंगे कि आप यकीन नहीं कर सकते। उसके बाद आपने कोई भी चाट मसाला इसके ऊपर ऐड कर देना है। स्पेशल चाट मसाले की जो रेसिपी है वो बहुत जल्द मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को किसी ना किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने कर्तव्यों में लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।